4 जून गया और मैं अभी यहां जब आ रहा था एयरपोर्ट से, लोग पैदल यहां तक पहुंचने के लिए चल रहे हैं। हो सकता है मेरा भाषण पूरा होने तक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग हाथ में झंडे लेकर के चल रहे हैं। ये प्यार, ये आशीर्वाद मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं जी। गया और औरंगाबाद ने आज घोषणा कर दी है। कल मैं तमिलनाडु में था, जो बात मैं तमिलनाडु में सुन रहा था, परसों मैं कर्नाटका में था, जो बात मैं कर्नाटका में सुन रहा था, वो आज मैं गया और औरंगाबाद में सुन रहा हूं। फिर एक बार साथियों, अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड बोला जा रहा है, क्योंकि 10 वर्षों में सबने देखा है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। साथियों, मोदी गरीब घर से निकलकर आप सबके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा है। ये आपका उत्साह, ये आपका उमंग, ये प्यार मेरे सर आंखों पर। मैं आपका ये प्यार जीवन भर मेरे कानों में गूंजता रहेगा। अगर मैं आप इजाजत दें तो आगे बोलना शुरू करूं। ये ऊर्जा बचाए रखिए, 4 जून को भी जरूरत पड़ेगी। साथियों, आपके आशीर्वाद से आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। मोदी को देश के संविधान ने ये पद दिया है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब अंबेडकर, उनका दिया हुआ ये संविधान न होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। भाइयों बहनों, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अनेक आप बैठिए भाई, प्लीज आप जरा ज्यादा कर रहे हैं, बैठिए। हमारा देश
विविधताओं से भरा हुआ देश है। अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक रीति रिवाज, अनेक परंपराएं, अनेक प्रकार के पहनाव, अनेक प्रकार की जीवन शैलियां, अनेक प्रकार के खान पान, एक प्रकार से हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, वैविध्य से भरा हुआ देश है और हर प्रकार की मत मान्यता वाला देश है, हर प्रकार के पथ संप्रदाय वाला देश है। ऐसे में देश के उज्जवल भविष्य को चलाने के लिए नियमों के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया, 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है आपके सेवक ने, मोदी ने। दशकों तक गरीबों को रोटी मकान के सपने दिखाए कांग्रेस और उसके साथियों ने, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए एनडीए सरकार ने। हमारे साथी जीतन राम मांझी जी भी यहां बैठे हैं, वो साक्षी हैं कि कैसे दलित वंचित पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा, दलितों वंचितों पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है। साथियों, अब अगले 5 वर्षों के लिए मोदी का गारंटी कार्ड अपडेट हो गया है। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए विकास का ठोस रोड मैप बनाया गया है। यहां डोभी क्षेत्र की तस्वीर भी औद्योगिक कॉरिडोर से बदलने वाली है। इससे यहां के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, बीते 10 साल में देश में एक ऐसी क्रांति आई है
जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। ये क्रांति देश के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा की गई है। पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। बिहार में भी 1.25 करोड़ बहनें इस मुहिम से जुड़ी है। अरे हमारे गया जी में भी 5.25 लाख बहनें इन समूहों से जुड़ी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो महिला स्वयं सहायता समूहों को बिहार में 150 करोड़ रुपए से भी कम मदद दी जाती थी। एनडीए सरकार के 10 साल में इन्हीं महिला समूहों को 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। इसी प्रयास से अकेले बिहार में 12 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी है। अब मोदी ने देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू किया है। इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार की महिलाओं को होगा। साथियों, हमारे एजेंडे में विकास भी है और विरासत भी है। यहां नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट कितने लंबे अरसे से लटका हुआ था ये आप भी जानते हैं। ये एनडीए सरकार है जो इसे पटरी पर लाई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से गया और औरंगाबाद के किसानों को सिंचाई की बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारी ही सरकार में प्रसाद योजना के तहत देश के 12 प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों में गया जी को भी शामिल किया गया। गया पितृ श्राद्ध स्थल है। यहां भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। वैसे कम लोगों को पता है कि गुजरात में भी पाटन जिले में सिद्धपुर को मातृ श्राद्ध स्थल माना जाता है। इसे मातृ गया भी कहते हैं। जैसे यहां पितृ गया है, गुजरात के सिद्धपुर में मातृ गया है। हमारी सरकार इन सभी स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अभी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि वो भारत की विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज मैप पर लेकर जाएगी। हमारे गया जी को भी हम उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और इससे बड़ी संख्या में ग्लोबल टूरिस्ट भारत आएंगे और इसका लाभ इन सभी क्षेत्रों को होगा। साथियों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत गया का तेजी से विकास सुनिश्चित किया गया है। अमृत स्टेशन योजना के तहत गया स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। विकास का ये स्केल, विकास की ये रफ्तार, इतने सारे काम हुए, आपके उत्साह में भी नजर आ रहा है कि मोदी सरकार ने कितने काम किए हैं।
लेकिन साथियों, मैं जो संकल्प लेकर के चला हूं, मैं जो सपने देखता हूं और दुनिया में भारत का जो स्थान मेरे मन में है, उस हिसाब से तो इतना सारा करने के बाद भी मैं तो यही कहता हूं, ये तो ट्रेलर है ट्रेलर। अभी तो मुझे देश के लिए बहुत कुछ करना है, बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। साथियों, बिहार के लोग जानते हैं ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। आज एक और देश की संस्कृति पर गर्व करने वाले हम लोग हैं, तो दूसरी ओर हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। कल रामनवमी का पावन पर्व है, बोलो सियावर रामचंद्र की। साथियों, कल रामनवमी का पावन पर्व है, सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी, लेकिन घमंड या गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टिकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये हमारे देश के संस्कार नहीं है, यह हमारे देश की परंपरा नहीं है। इस घमंड या गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के युवराज तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। आज नवरात्रि का पावन पर्व है, हम शक्ति के उपासक हैं, क्या इस शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? ये शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? और जो शक्ति का विनाश करने निकले हैं उनका क्या होगा, उनका क्या होगा? साथियों, ये ऐसा कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं, ये हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं, क्या ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? आपको मानना न मानना आपकी मर्जी, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसको डेंगू मलेरिया कहना ये सनातन का अपमान है कि नहीं है?
हमारे ऋषियों मुनियों का अपमान है कि नहीं है, हमारे पूर्वजों का अपमान है कि नहीं है। आप मुझे बताइए ये लोग क्या एक भी सीट जीतने के योग्य है क्या? इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरे बिहार में से एक एक को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, गमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपने सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार, चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं तो ये लोग मोदी के खिलाफ लामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना, लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे। दोस्तों, ये आरजेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती। साथियों, पूरी दुनिया में इस समय अस्थिरता है। देश को आज एक मजबूत और बड़े फैसले लेने वाली सरकार की जरूरत है, और इसके लिए एनडीए की गया लोकसभा सीट से
हमारे वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी और औरंगाबाद से मेरे साथी सुशील कुमार सिंह जी को विजयी जरूर कर बनाइए। जीतन राम मांझी जी बिहार में दलित समाज का चेहरा है, सुशील जी बीजेपी के मेरे वरिष्ठ साथी हैं, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी हैं। साथियों, जो उत्साह आज मैं यहां देख रहा हूं, आपको 19 अप्रैल को इतने ही प्रचंड उत्साह से मतदान करना है और बहुमत से इनको विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, मेरे भाषण की शुरुआत में मैंने संविधान का जिक्र किया था। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं, वे जरा कान खोल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अटल जी के समय से हम देश की सत्ता से साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा शांति का समय हमारे कालखंड में मिला है। ये लोग कभी कहा करते हैं अगर आरएसएस बीजेपी वाला आए तो लघुमतियों को देश छोड़कर के भागना पड़ेगा। आज भी वो आन बान शान के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के गुजारा कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। पहले कहते रहते थे कि लोग पुराणपंथी है, ये प्रगतिशील लोग नहीं है। हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किस में है। वैसे ही अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ बनाना, झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों, इनको पता होना चाहिए, ये जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे, बाबा साहब आम्बेडकर का दिल, दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था। और देश के गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके देश की भावनाओं को समझ करके, देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। और इसलिए हकीकत तो यह है
कि देश की आजादी के बाद संविधान को राजनीति का हथियार नहीं, संविधान को श्रद्धा के रूप में जन मन में प्रस्थापित करना चाहिए था। और हमारा देश ऐसा है जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है, वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता। लेकिन आपने संविधान का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। हमने संविधान के प्रति आस्था पैदा करने के लिए लगातार कोशिश की है। जब पार्लियामेंट में मैं ये प्रस्ताव लेकर के आया कि हमने देश में संविधान दिवस मनाना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान खड़गे जी ने पार्लियामेंट में उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था, अरे 26 जनवरी तो है, संविधान दिवस की क्या जरूरत है। उनको ये समझ नहीं आया कि भारत के संविधान के प्रति निरंतर श्रद्धा पैदा करते रहना चाहिए, संस्कार बनना चाहिए। हमने संविधान दिवस को हर स्कूल में बच्चों के सामने संविधान का पाठ हो, प्रियम्बल का पाठ हो, वचनबद्धता आए, इसके लिए परंपरा प्रारंभ की है। और आज भी संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिन का सेमिनार करती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है। इतना ही नहीं, संविधान को 75 साल हो रहे हैं। संविधान के 75 साल मनाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि संविधान सिर्फ अदालतों में दलील के लिए काम आए इतना पूर्ता नहीं है। संविधान हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला संविधान वो ताकत है जिसको हमें दिलों तक पहुंचाना है। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। और उसको लेकर के हम स्वतः आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के संविधान को इस प्रकार से गली मोहल्ले में ठोकरें मारने वालों लोगों को भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। अगर सामाजिक न्याय लाने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। बिन सांप्रदाय की सच्ची भावना को उजागर करने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। और हम बड़ी श्रद्धा के साथ, इतना ही नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर को जो सम्मान हमने दिया है, आपको बोलने का अधिकार तक नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म से लेकर के जिन 5 महत्वपूर्ण स्थान पर बाबा साहब जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है, उसको पंचतीर्थ बनाने का काम हमने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन लोगों को जान के समझ करके ये झूठी बातें बताने वालों को हमेशा हमेशा के लिए चुप करना बहुत जरूरी है। और इस बार आपका वोट हमेशा के लिए उनको चुप कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों, मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन
साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है, ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है, और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। भाइयों बहनों, 19 अप्रैल को गर्मी कितनी क्यों न हो, हमें सुबह सुबह मतदान करना है, ज्यादा